हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं गैब्रिहा के पीसी रिपोर्ट के बारे में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नया ग्राउंड कहाँ से आ गया, तो ये नया ग्राउंड जो है आप जानते होंगे साउथ अफ्रीका में जो पोर्ट एलिजाबेथ ग्राउंड था उसी का जो है गैब्रिहा नाम जो है वो रखा गया है। तब यहाँ पे किस तरीके से जो है वो बैटिंग हो सकता है, आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका लीग जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो एक बार देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो सेशन के लिए, जो कि व्हाट्सअप का नंबर आपको दिख रहा होगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो कॉल फ्री सर्च करके, और ये भी जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे गैब्रिहा के बारे में। तो स्टेडियम जो है वो पोर्ट सन जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ के नाम से आप इसे पहले से जानते हो, जहाँ की कैपेसिटी जो है 19,000 के आसपास है। एंड की बात करते हैं तो डॉग पोंड एंड और एक पार्क ड्राइव एंड है। होस्ट जो है ये एस्टर्न प्रोविंस को जो है वो अफ्रीका का करता है। अब एक बार पिच रिपोर्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो आप देखोगे ना यहाँ पे तो जो संत जॉर्ज पार्क है ये आपको जो है एक एवरेज बैटिंग ग्राउंड की तरफ बिहेव करते हुए नजर आएगा। यहाँ पे डोमेस्टिक की अगर हम लोग बात करते हैं, तकरीबन 40 से ज़्यादा मैचेस प्ले कर चुके हैं, और अगर हम लोग बैटिंग एवरेज की बात करते हैं तो 150 के आसपास जो है वो एवरेज दिखाई देता है। अब ऐसा नहीं है कि 150 एवरेज है तो रन जो है यहाँ पे कम ही बनते हैं, हमेशा रन जो है यहाँ पे ऑड इवन चलता है। कभी जो है यहाँ पे रन काफ़ी कम रहेगा, कभी जो है दो दो सौ रन जो है वो दिखाई देगा, और डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो है ग्राउंड बिहेव करते हुए जो नज़र आएगा। केवल यही नहीं, साउथ अफ्रीका के आप सारे ग्राउंड देखोगे तो आपको कुछ इसी इनिशियल से जो है वो आपको देखते हुए नज़र आएगा, जहाँ पे कभी ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, कभी अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना साउथ अफ्रीका ग्राउंड में थोड़ा सा एक अलग कंडीशन जो है वो देखने को मिलता है, और यही रीज़न होता है कि जो बाकी टीम जो है साउथ अफ्रीका को विसिट भी करती है तो साउथ अफ्रीका में जीतना या फिर एक प्रॉपर मैच चलना बहुत मुश्किल हो जाता है सभी टीमों के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 150 रन के आसपास का जो एवरेज है वो इस वजह से होता है कि किसी मैच में आप लो रन देखोगे, किसी में बहुत ज़्यादा हाई देखोगे, इसी वजह जो है आपको देखने मिलेगा। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो पहले बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो फास्ट बॉलर जो है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं। स्पिनर की बात करते हैं तो मिडिल ओवर में स्पिनर जो है वो थोड़ा बहुत इम्पैक्टफुल जरूर डालता है, लेकिन जैसे जैसे वो पिच पुराना होता जाता है स्पिनर काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट डालते हुए नजर आता है। एवरेज रन 150 के आसपास है, और अगर हम लोग बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे विकेट की, तो जो 14 विकेट पर मैच के आसपास आप देखोगे तो विकेट जो है वो अच्छा खासा गिरता है। पार स्कोर अगर इस ग्राउंड में बात करते हैं तो 170 के आसपास जो है वो पार स्कोर होगा, अगर उससे नीचे रहता है तो चेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसके अलावा जो रिसेंट के दो मैचेस देखोगे आप, दो मैचेस जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि साउथ अफ्रीका लीग का पहला एडिशन का जो है मैच देखने को मिलेगा, जहाँ पर देखोगे 24 जनवरी के जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था वो 130 रन बनाया था, लेकिन उससे पहले देखो 22 जनवरी को जो यहाँ पे मैच हुआ था वो 210 रन बना था। तो ये कंडीशन यहाँ पे रहता है जिसकी वजह से एवरेज जो है ना इस ग्राउंड पे काफ़ी गिरा हुआ नजर आएगा, कि एक मैच में काफ़ी अच्छे रन बनते हैं, दूसरे में जो है कम हो जाता है। और बैटरी नहीं है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अभी तक जो है मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, जहाँ पर आपको जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो कॉल वीडियो सर्च करके। तो मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन क्लिक कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।